राय बच्चन की बात की जाए तो एक बार फिर से हम आपको बताना चाहेंगे, भले ही ऐश्वर्या पर पनामा पेपर्स लीक मामला काफी बड़ी मुसीबत बना हो, लेकिन घर लौटी ऐश्वर्या को बड़ा तोहफा मिल गया है जिससे हम आपको रूबरू कराना चाहेंगे। जी हाँ, देख रहे हैं आप नेक्स्ट 9 न्यूज और मैं हूँ आप सबकी होस्ट तृप्ति। एक बार फिर से लेकर आई ये स्पेशल रिपोर्ट। ऐश्वर्या राय बच्चन को लेकर इशिता गांगुली का बड़ा ऐलान है। ऐश्वर्या को वो डायरेक्ट करने वाली है, ये उन्होंने फैसला ले लिया है। द टेलीग्राफ को लेकर हम बात करना चाहेंगे। एक्सट्रीमली आर्टिकुलेट इशिता ने बताया जा रहा है कि 3 वुमेन की जर्नी को लेकर, स्टिल से स्क्रीन की जर्नी को लेकर अपनी बात रखने का फैसला लिया है। ऐश्वर्या फर्स्ट चॉइस थी उनकी और वुमेन्स की स्टोरी की इंपॉर्टेंस बताने के लिए ऐश्वर्या से बेहतर कोई और चॉइस नहीं था, ऐसा उनका कहना है। तो ऐश्वर्या की ये तारीफ कहीं ना कहीं बड़ी खुशखबरी, राहत भरी खबर है ऐश्वर्या और बच्चन परिवार के लिए। ये आपको बताना चाहेंगे, गोस्ट ऑफ कदम्बरी की स्टोरी जो है मॉडर्न टेलिंग की बात की जाए तो वुमेन्स के लिए एसेंशियल है, ये बताया जाता है। अब यहाँ पर आपको बताना चाहेंगे, पहले भी खबर थी रविंद्रनाथ टैगोर की सिस्टर इन लॉ वाले कहानी को जो बताया जाता है, पहले भी ऐश्वर्या राय बच्चन का नाम सामने आया था कि वो इसे लेकर काम कर सकती है और उन्होंने बताया कि इसे अलग तरीके से प्रेजेंट किया जा सकता है, इंग्लिश में प्रेजेंट किया जाए। ऐश्वर्या इसे लेकर तुरंत एग्री हुई और उन्होंने कहा हिंदी नहीं बल्कि इंग्लिश में प्रेजेंट किया जाए इसे, और इसे लेकर ऐश्वर्या की एक्साइटमेंट साफ ना सामने आई है। कहीं ना कहीं ऐश्वर्या जो कि पोनियन सेल्वन फिल्म में नजर आएंगी, इसके अलावा उन्हें एक बहुत बड़ा ये प्रोजेक्ट मिल रहा है जिसे लेकर ऐश्वर्या बहुत ज्यादा खुश है। ये आपको बताना चाहेंगे कि ऐश्वर्या राय बच्चन को इसमें लीड भूमिका रोल प्ले करने का मौका मिला है जिसके लिए ऐश्वर्या राय बच्चन ने तुरंत साइन किया। और यहाँ आपको बताना चाहेंगे इसे लेकर खुद इशिता ने कहा, ऐश्वर्या को इसलिए चुना गया है क्योंकि इंटरनेशनल वो एक्टर रही हैं और उन्हें इस फिल्म में लेना बहुत ज़रूरी था। एक ऐसी एक्ट्रेस की ज़रूरत थी जो कि इंडियन सेंसिबिलिटी को और ग्लोबलाइज करने को सेंसिबिलिटी को समझ सके, और ऐश्वर्या से बेहतर उनके पास कोई और चॉइस नहीं समझ में आ रहा था क्योंकि बंगाल की वो रही हैं और बंगाली है, इसलिए इस ओरिजिन को और बेहतर तरीके से समझ सकती है क्योंकि रविंद्रनाथ टैगोर की सिस्टर इन लॉ की कहानी प्रेजेंट करनी है। तो आप समझ सकते हैं कि ऐश्वर्या के फैंस के लिए बड़ी खुशखबरी से कम में। फिलहाल दोस्तों वक्त हो गया है आपसे इजाजत लेने का, देखते रहे नेक्स्ट 9 न्यूज़। नमस्कार।